आरे गोरख गुरु तो सुमिरे मेरे बाबा रे गोरख गुरु तो सुमिरे मेरे बाबा रे रखो हमारी हो लाज समेल तुम्हारी लगाई तेरे पेरो दास गुरु जी करो सहाई रे हाँ राखो हमारी लाज आसमेल तुम्हारी लगाई तेरे पेरो दास गुरु जी करो सहाई रे दयाला जो कच संकट आओ भक्तों पर सबई तुमने ताला अब गोरख गुरु तो सुमिरे मेरे बाबा रे गोरख गुरु तो सुमिरे मेरे बाबा रे रखो हमारी हो बेटा बाज कहे नर नाहर जन्मो नाई बेटा रे आ पाथल मन में दुखी करम मेरो ले लपेटा बाज कहे नर नाहर जन्मो नाई बेटा रे तब करी कृपा यति बारी दियो या सिर बाद जाए जाहर भीरयो तारी अब गोरख गुरु तो सुमिरे मेरे बाबा रे गोरख गुरु तो सुमिरे मेरे बाबा रे राखो कुंडल सुंदर रूप विशेष हाथ में लिए कमंडल वे
अरे मृग छाला तन पड़ी कान में लटके कुंडल सुंदर रूप विशेष हाथ में लिए कमंडल रे मंदेश तेरे तुमको रखियो दया की दृष्टि गुरुवर भूल न जइयो हमको अब गोरख गुरु तो सुन रे मेरे बाबा रे गोरख गुरु दोस्तों आइए गौर करते हैं बाबा जहरवीर कैसेट कंपनी की तरफ से गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में कि बाबा जहरवीर इनके गुरु गोरखनाथ जी का जन्म किस तरह से हुआ तो आइए गौर करते हैं जहरवीर कैसेट कंपनी की तरफ से बताया है कि बंगाल प्रांत के अंदर एक बड़ा सुंदर नगर था और चंद्रगिरी एक नगर रे बंगाल प्रांत के अंदर पंडित रहते थे विचार अति सुंदर जहरवीर कैसेट कंपनी की तरफ से गुरु गोरखनाथ जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया है कि बंगाल के अंदर धारा नगरी गांव था सूर्य दयाल नाम के उसमें एक ब्राह्मण रहते थे पत्नी का नाम था सरस्वती बड़े विचार अच्छे हैं लेकिन घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी कोई कष्ट नहीं था लेकिन कष्ट था क्या तो नाए पुत्र भारे दुख भारी है नर रोई रही रे बोलारी है नाए I'm
हाँ दोस्तों, यही दुख था कि घर में किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। सूर्य दयाल माँ सरस्वती बड़े दुखी रहते हैं आंगन में, सोचते हैं क्या करें क्या न करें, पता नहीं हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए जो हमारे घर में किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन आंगन में बैठ करके सरस्वती रोने लगी हैं। सूर्य दयाल उन्हें समझाते हैं, देखो रो ना, पुत्र देना या न देना या दे करके फिर छीन लेना, ये तो परमपिता परमात्मा की लीला है। तो आंगन में बैठी बैठी रो रही है, अरे आंसू बह रहे अखियां में मेरे भैया रे, आंसू बह रहे अखियां से मेरे भैया रे, रोई रही घर में करके सरस्वती मां रोने लगी है। आंगन में बैठी बैठी रो रही है, अरे रोई रही घर में मात धीर नहीं मन को यावे, पुत्र बिना आंगन में अब नहीं रह पावे रे, रही घर में मात धीर नहीं मन को आवे, पुत्र बिना आंगन में अब नहीं रह पावे रे, सब बाज कहे नर नारी एक पुत्र के बिना की सुनी लगी रही दुनिया सारी, अब आंसू बह रहे अखियां से मेरे भैया रे, आंसू बह रहे नैनन से मेरे भैया सेवा करे दान यति दे रही भारी, करे कीर्तन भजन लगिन लगी हर से न्यारी रे, संतन सेवा करे दान यति दे रही भारी, करे कीर्तन भजन लगन लगी हर से न्यारी रे, वो पतिव्रत धर्म निभावे कोई संत कर आए घर में भोजन तुरत करावे, अब आंसू बह रहे अखियां से मेरे दादा रे, आंसू बह रहे नैनन से मेरे भैया रे।
बात सोच रही अपने मन में, पूर्व जन्म के पाप करे क्या ऐसे हमने रे। एक दिन बैठी मात सोच रही अपने मन में, पूर्व जन्म के पाप करे क्या हमने ऐसे रे। कैसो विधना को लेखो, इतने दिन गए बीत, पुत्र को चेहरा नहीं देखो, अब आंसू बह रहे अखियन में मेरे दादा रे, आंसू बह रहे नैनन में मेरे भैया रे, रोई रही घर में हो नारे। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं। सरस्वती माँ आंगन में बैठी बैठी जब रो रही है, बड़ी परेशान है, बड़ी हैरान है, सोच रही है कि क्या करें क्या न करें। जो भी संत महात्मा इनके दरवाजे पर आते हैं, सबको भोजन करवाती हैं, बड़े प्यार से बिठाती हैं, परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाती हैं। आइए गौर करते हैं यहां से आगे। तो बीत गई कछु साल, सुनाऊं हाल सुनो मेरे भाई, हरि गति अपरंपार रे, नए समझ किसी के आई। आंगन में बड़े दुखी हैं दोनों लोग। और बीती गए कत साल, सुनाऊं हाल सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, और हरि गति अपरंपार रे, नहीं समझ किसी के आई। अरे गुरु मच्छिंद्र नाथ, शिष्य ले साथ की चले हर साई, और सरस्वती के द्वारे पे के तीनों अलख जगाई। दोस्तों, धीरे धीरे जब समय बीता है, और जब धीरे धीरे समय बीता है, परमपिता परमात्मा की कैसी लीला है। एक दिन गुरु मच्छिंद्र नाथ अपने शिष्यों को साथ में लेकर के वहां से सरस्वती मां के दरवाजे पर आए हैं। और जब दरवाजे पर आए, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी आवाज लगाई है, मैया अरे योगी ठाड़ो द्वारे पे, सुने मैया दी योगी ठाड़ो योगी था।
पता परमात्मा की क्या लीला है। ऐसी दैन हुई जो गुरु मच्छंदर नाथ जी अपने शिष्यों को साथ में लेकर के और उसी धारा नगरी में जब आए हैं, मां सरस्वती के दरवाजे पर पहुंचे हैं, आवाज लगाई, मैया अरे बेचा दी जो डारी अलख योगी ने जगायो, बहुत दूर से चल के माता तेरे द्वारे आयो रे। अरे बेचा दी जो डारी अलख योगी ने जगायो, बहुत दूर से चल के माता तेरे द्वारे आयो रे। तेरे सुखी रहे घर लाला, भोला डमरू वाला अब योगी ताड़े द्वारे पे। सुन मैया भी योगी ताड़े द्वारे पे। सुन मैया भी बेचा दी जो डारे योगी ताड़े द्वारे पे। जय हो योगी ताड़े द्वारे पे। सुन मैया भी बेचा दी आवाज लगाई है, मैया अरे हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं, हमें भिक्षा दे दो। जैसे ही सरस्वती मां ने सुना तो हुआ क्या, अरे भिक्षा लेके चली माता नहीं देर लगाई, सम्मुख योगी खड़े देख मन अति हर्षाई रे। अरे बिच्छा लेके चली मात नहीं देर लगाई, सम्मुख योगी खड़े देखी मन अति हर्षाई रे। जग तभी बगल मृग छाला, झलक तेज चंद्र सो मुख पर रूप बड़ो निराला अब योगी ताड़े द्वारे पे। सुन मैया भी योगी ताड़े द्वारे पे। सुन मैया भी बिच्छा सुनी है तो तुरंत ही सरस्वती मां निकल करके बाहर आई हैं, हाथों में बिच्छा है। लेकिन हुआ क्या, उस योगी को देख करके चेहरा बड़ा उदास हो गया, और जब चेहरा सुस्त पड़ गया, गुरु मच्छंदर नाथ जी ने पूछ लिया, मैया बात क्या है। अरे चेहरा सुस्ता देख योगी तब बोले बानी, भिक्षा देते समय मात क्यों करे गिलानी रे। पूछ लिया मैया, अरे चेहरा सुस्ता देख योगी तब बोले बानी, भिक्षा देते समय मात क्यों करे गिलानी रे। दुख तो भारी सब हाल
हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं। उधर चेहरा जब बड़ा सुस्त देखा है, बड़ा उदास देखा है गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने, तो पूछ लिया, मां बात क्या है, तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है, तुम्हें कौन सा कष्ट है, तुम हमें बताओ। और जैसे ही मां सरस्वती ने इतने शब्द सुने हैं उस योगी के, बड़ी दुखी हुई, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हुआ क्या, अरे अखिया न बैरो नीर मास की छूटी गई डिडकारी रे, बनी गए पाप याद मेरी भूल गए त्रिपुरारी रे, आंखों में आंसू लेकर के सरस्वती मां बोली है, बाबा जी से अंगन में बैठी मेरी सगाई रे, कौन कर्म से मैंने पुत्र की सूरत नहीं लख पाई रे, के बिना योगी अब हुई रही मेरी ख्वारी रे, आंखों में आंसू भर करके जवाब दिया है, बाबा जी पता नहीं हमसे कौन से पाप बन गए जो हमारे गर्भ से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, हमारे चेहरा की तरफ देख देख करके नगर के नर नारी कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने जैसे ही मां सरस्वती का रोना देखा है, एकदम से जवाब दिया, तुम रो नहीं। अरे उठो उठो रो माती, अरे मेरी मैया रे, तेरे सबई दुख कट जाए केले घर छैया रे, Yeah.
तुम रोआ नहीं, भोले बाबा की कृपा रही तो मां तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य खेलेगा। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने क्या किया, अरे भस्म निकाली झोली से ले वो मैया रे, अरे भस्म निकाली झोली से ले वो मैया रे, तुम खाइयो खीर मिलाए पार हो बे नैया रे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जो भस्म दे रहे हैं खीर में मिला करके तुम खा लेना। और गुरुजी बोले, अरे सुंदर पुत्र होए घर तेरे, अरे मेरी मैया रे, अरे सुंदर लाल होई घर तेरे, अरे मेरी मैया रे, जाने जन जन की पीर के दुख तरैया रे, गौर करते हैं। बाबा जहरवीर कैसर कंपनी की तरफ से गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में सरस्वती मां जब रोने लगी हैं तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने समझाया है, मां तुम रो नहीं, और अपनी झोली से भस्म निकाल करके जब दी है तो एक बात कही मैया, अरे कहे मच्छंदर नाथ मैया भस्मी को तुम खइयो, और कहे मच्छंदर नाथ मैया भस्मी को तुम खइयो, अरे कछु दिना के सुंदर पुत्र खिलाइयो, मेरी मात की संकट तेरे कट जाएंगे, बारह बरस के मात के घर पे लौट के आवेंगे, अब तो अलख निरंजन कहे चेलन को संग लगायो है, अब तो अलख निरंजन कहे चेलन को संग लगायो है, जवाब दिया है मैया तुम इस भस्म को खा लेना खीर में मिला करके, और तुम्हारे घर में पुत्र होगा, बारह बरस के बाद में हम तुम्हारे पास में लौट करके फिर आएंगे। गुरु मच्छंदर नाथ जी इतने शब्द कहने के बाद में वो तो वहां से चले जाते हैं, और जब वो चले गए इधर सरस्वती मां घर में बड़ी खुश है, बड़ी मगन है, एक बात सोची है
स्नान करने के बाद में हम इस भस्म को खाएंगे। स्नान करने के लिए जा रही थी उस भस्मी को रखने के बाद, लेकिन तब तक क्या हुआ, सरस्वती माँ जो थी उनकी एक सहेली आई वहां पर और सहेली को सारी बात बताई है कि एक महात्मा जी आए थे जिन्होंने हमें भस्म दी है और उन्होंने ये कहा तुम इस भस्म को खा लेना तो तुम्हारे गर्भ से पुत्र होगा। लेकिन वो सहेली चतुर थी, जवाब दिया तू तो बिल्कुल ही पागल है, अरे तुझे नहीं मालूम, तू तो बिल्कुल पागल है। और समझाती हुई बोली अरे सुन के बात कही समझ आई, जवाब दिया तू तो बिल्कुल ही पागल है, अरे बिल्कुल पागल है, भस्म से कई पुत्र होते और तुम्हें तो मतलब महात्माओं के ऊपर विश्वास है, तुम्हें नहीं मालूम बहन आज के जमाने में संत कहां है, और जो संत होते वो क्या घर घर डोलते, तू तो बिल्कुल पागल है। और वो बोली है क्या, अरे मीठी वाणी बोली है सहेली, तब मीठी वाणी बोली है सहेली, तब बुद्धि दई का जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम, अरे बुद्धि दई का खोई की ढोंगी घर घर तोले, देवे चही रखिलाई की घर को मालत तोले, भस्म खिलाई मंत्र के बल से लूटे घर को रुपया, अब मीठी वाणी बोली है मीठी वाणी।
तू तो बिल्कुल ही पागल है, अरे ऐसे संत कहाँ हैं। और वो बोली, अरे काए पागल भाई भस्म से पुत्र न होवे, कोई बाज नहीं रहे कि सबई लाल खिलावे, खोल के देखो खाइयो नाई भस्म बहना घर के बाहर फेंको, अब मीठी वाणी बोली है पहली, तब मीठी वाणी बोली है पहली, तब उसी दही का पागल है। और समझाया है, ऐसा करो ये जो भस्म है तुम्हारे पास में इसे अपने घर में मत रखो। अरे महात्मा संत क्या पता कोई तांत्रिक होगा और ये भस्म दे के जो तुझे गया है गलत है। उसने जब समझाया तब समझी नहीं मात बात फिता बैठी सर में, गुरु की दीनी भस्म डाल दई जाए गोबर में, अरे गुरु की दीनी भस्म डाल दई जाए गोबर में, जाए गोबर में दिया। तू तो बिल्कुल ही पागल है और जब समझा दिया है, मां सरस्वती नहीं समझी है भाई, दिमाग में बात फिट बैठ गई, कहीं भस्म खाने से पुत्र नहीं होते हैं, और उस भस्म को ले जा करके गोबर में डाल दिया जहां गांव का और कूड़ा भी पड़ा करता था उस जगह पर, और जब उस गोबर में डाल दिया लेकिन हुआ क्या दोस्तों, तो नहीं मन में मात विचार कियो भस्मी को तुरत फेंकी दीनो,
भक्ति माने। गुरु मच्छंदर नाथ जी के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया दोस्तों। अब योगी राज मच्छंदर का अपमान मात ने करी दीना। सरस्वती ने गुरु मच्छंदर नाथ जी की दी हुई भस्म को जब गोबर में डाल दिया, लेकिन संत की बात झूठी कैसे हो जाए, और फिर वो गुरु मच्छंदर नाथ जी की हुआ क्या। और सिद्ध पुरुष योगी का आशीर्वाद था सच्चा, अपने समय के आते ही, अपने समय के आते ही गोबर में प्रकटाया बच्चा। समय बीता है, उस भस्म को जो गोबर में डाल दिया था, गुरु का आशीर्वाद था, तो अपने समय के अनुसार उस भस्म में बच्चा जब प्रकट हो जाता है, लेकिन हुआ क्या। मैया पृथ्वी ने शरण दई, ममता बरसाई अति भारी, अब धीरे धीरे गोबर में, अब धीरे धीरे गोबर में बढ़ने लगा वो अवतार। दोस्तों उसी गोबर में जब एक बालक प्रकट हो जाता है, पृथ्वी माने उस बच्चे को पालना जब शुरू किया है, धीरे 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 जब समय बीता है, तो बताया, आइए गौर करते हैं बाबा जहारवीर कैसेट कंपनी की तरफ से हमें जो प्रमाण मिला, मैं आपको बता रहा हूं। जब उस गोबर में बच्चा प्रकट हो जाता है, धीरे 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 जब समय बीता है, गुरु मच्छंदर नाथ जी ये कह करके गए थे कि 12 वर्ष बीतने के बाद हम तुम्हारे पास में आएंगे, और जब 12 वर्ष बीतने को हुए तो हुआ क्या। आगे दो कदम बढ़ाई, चेलन को लेके अपने साथ, साथ।
साथ शिष्यों को साथ में लेकर के जब आए हैं उसी जगह पर सरस्वती मां के दरवाजे पर पहुंचे और जब आवाज लगाई है तो सरस्वती मां बाहर निकल करके आई हैं। जैसे ही गुरु मच्छंदर नाथ जी को देखा, पहचान लिया, चेहरा बड़ा उदास हो गया और जब गुरु ने देखा तो एक बात कही, मैया बात क्या है? क्यों दिखे उदास, बुलाइयो अपने पुत्र को पास, चंद्रनाथ जी जब दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, सरस्वती मां निकल करके बाहर आई हैं, जवाब दिया, मैया अब क्यों तुम उदास हो? अपने पुत्र को हमें दिखा दो। और जैसे ही सरस्वती मां ने सुना, गुरु मच्छंद्रनाथ जी को पहचान लिया है, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जवाब दिया, गुरु जी हमें माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई। मच्छंद्रनाथ जी कहने लगे, बात क्या है? जवाब दिया है, मेरी एक सहेली ने हमें उल्टा पढ़ा दिया और आप जिस भस्म को दे करके गए थे मैंने उसे गोबर में डाल दिया। मच्छंद्रनाथ जी कहने लगे, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने एक योगी का अपमान किया। अरे योगी तब बोले, तुमने एक संत का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। करी डारो अपमान संत को मानो झूठो, दीनी भसमी फेंकी मात तूने अपयस लूटो रे। करी डारो अपमान संत को मानो झूठो, दीनी भस्मी फेंकी मात तूने अपयस लूटो रे। अरे सत्य कहे सब कोई, दारुण दुख दे दे जाको, पहले मत हर ले। अब योगी तब बोले, सुन मैया री, योगी तब बोले, सुन मैया री, कर डालो Yeah.
अच्छा नहीं किया। अब तुम ऐसा करो, तुमने जिस जगह पर उस भस्म को फेंका था तुम हमें उसी जगह पर ले चलो। तो सरस्वती और गांव के लोग भी एकत्रित हुए हैं और उसी जगह पर पहुंच गए जो बड़ा सा टीला लग गया था, ढेर लग गया, सारे गांव का कूड़ा उस जगह पर पड़ता था। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने आवाज लगाई और कहा, बेटा अगर तुम्हारा जन्म हो गया हो तो तुम्हारा गुरु तुम्हें लेने के लिए आया है, बाहर निकल करके आओ। तो अंदर से एक आवाज आई, गुरु जी दीनी तबया बाज लाल ने करी न देरी, कैसे बाहर आई कूड़े की लगी रही ढेरी रे। तब गांव के लोग लगाए गुरु मच्छंदर नाथ ने गोबर को हटवाए। अब योगी तब बोले सुन मैया री, योगी तब बोले सुन मैया री, कर डालो या पाओ माना। ये योगी तब बोले सुन मैया री, योगी तब बोले सुन मैया री, कर डालो या पाओ। जवाब दिया है, गांव के लोग जब इकट्ठे किए हैं और गुरु मच्छंदर नाथ जी सबको साथ में लेके जब उस ढेर के पास में आए, आवाज लगाई, बेटा अगर तुम्हारा जन्म हो गया हो तो तुम बाहर निकल के आओ। तो अंदर से ये आवाज आई है, गुरु जी बड़ा ढेर लगा हुआ है, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, आप हमें यहाँ से निकाल लीजिए। जब उस गोबर को हटवाया है तो बड़ा सुंदर उसमें से एक बालक निकला। तो सूर्य समान तेज बेटा को सुंदर छटा निहारी, और सूर्य समान तेज बेटा को सुंदर छटा निहारी। भोई कमान अखियां कजरारी, कमान अखियां कजरारी, लगी रही थी अति प्यारी। महाराज शोभा को कैसे कहे मंजेश, नागिन जैसे गालन पे लटके घुंघरा ले वो केश। अब तो देखी पुत्र को रूप मैया सरस्वती बोली, अब तो देखी पुत्र को रूप मैया सरस्वती बोली। बड़ा सुंदर जब उस गोबर से बालक निकला है और जैसे ही सबने रूप देखा, चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था, घुंघराले केस गालों पर इस तरीके से लटक रहे थे जैसे नांगनियां लटक रही हो। दोस्तों सरस्वती माँ ने जब देखा है तो झपट करके उस पुत्र को अपने सीने से लगा लिया और जवाब दिया, बेटा मैं तेरी मां हूं। जरा से बच्चे ने एक बात कही, तुम हमारी मां कैसे हो सकती हो, अरे हम 12 बरस से इस गोबर में पड़े हुए, तब तो तुमने कभी नहीं देखा। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने उस बच्चे को जब अपने सीने से लगाया है और एक बात कही, बेटा तुम्हारा जो गोबर से जन्म हुआ है, गोबर से तुम प्रकटे हो, तो हम तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखते हैं। और वहां से गोरखनाथ जी जब नाम रखा है, चलने लगे गुरु मच्छंदर नाथ जी के साथ में, सरस्वती मां रोने लगी और जवाब दिया, बाबा जी आप हमारे पुत्र को हमें दिए जाओ। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने समझाया है, तुम रो नहीं, तुम्हारी किस्मत में पुत्र नहीं लिखा था। तो सरस्वती मां पर नहीं रुका गया, सामने पहुंच करके रास्ता घेर ली और जवाब दिया, गुरुदेव हमें माफ कर दीजिए।
मोई क्षमा करो तप धारी मो पे बनी गई भूल भारी मोई क्षमा करो सरस्वती माँ जब रोने लगी और जवाब दिया गुरुदेव इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो गुरुदेव दया निकल हाय की जे मेरे पुत्र को वापस कीजे गुरुदेव दया सरस्वती माँ जब रोती रही है लेकिन मच्छंदर नाथ जी और गोरखनाथ जी जब नहीं रुके वहां से चले जाते हैं समझाने के बाद में तो सुन रहे थे आप लोग जहरवीर कैसेट कंपनी की तरफ से गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में आइए मैं आपको बता दूं जो हमारे साथ में कोरस कर रहे थे ये गुरुवेश और जो हमारे भतीजे माधव शास्त्री और बीनू चौधरी और ये भैया लाल और अवधेश जी मच्छंदर नाथ जी समझाते हैं गौर करेंगे यहां से आगे गुरु गोरखनाथ जी के लीलाओं के बारे में माँ क्यों असुवन से